नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से आज आपके लिए एक नया ब्लॉग बनाने के लिए तैयार हैं हम। इसका नाम है शू फ्लाई। तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे और हमने इससे एक योगा मैट बनाई है, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ये ब्लू कलर पहले यूज़ कर लिया है तो अब मैं ये रेड कलर में बनाने लगी हूँ। अगेन, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि क्योंकि ये प्रिसिशन चाहिए हमको और ये दो कलर्स जोड़ के हमको 2.5 इंच के स्क्वायर में आना है। 2.5 इंच, जिसको मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि तकरीबन पैटर्न्स, तकरीबन डिज़ाइन जो हैं वो 2.5 इंच के साइज़ से ही आपको मिलेंगे, तो इसलिए हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे क्योंकि हमने इनको जोड़ के ट्रायंगल्स बना के फिर स्क्वायर बनाना है। इनको अच्छे से तय कर लेना। पहले आप हमेशा कपड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए और उसको लिफ्ट करके देखिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा 2.5 इंच से बड़ा होगा, तो घबराइए नहीं, हमारे पैटर्न्स के साथ, आपके हमारे किट के साथ ये पैटर्न आएगा, उसमें प्रॉपर डायमेंशंस, डायरेक्शन सब दी हुई हैं। तो ये हम काटेंगे 2.75 इंच, 2.78। अगर आप इस रूलर को देखेंगे तो यहाँ पे जो पार्टीशन हैं वो 8 के प्रोपोर्शंस में हैं। इसके लिए इसको 2.78 ऑफ एन इंच के उससे काटा जाएगा। तो 1, 2, 3 से थोड़ा पहले, तो इस तरह से आप आपके फैब्रिक्स काट लीजिए। एक ये कलर और एक हमने ये कलर काटा है। ये हमारे दोनों फैब्रिक्स तैयार। तो क्योंकि ये हमारे बड़े विड्थ के फैब्रिक्स हैं, हम इनको डबल कर लेते हैं। एकदम आप देखिए, हम लाइन से इसको मिला रहे हैं। तो ये वाला मेरा पहले से ही ट्रिम्ड पीस है, अब मैं इसको इसके साथ ट्रिम कर लेती हूँ। देखिए ट्रिम हो गया। अब मैं इसको 1, 2, 3, 3, 4.5 के उसमें फिर से, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर बनाना है। ये पहले मैंने स्ट्रिप्स जो काटी हैं वो 2.5 की बिट से काटी हैं, अब मैं उनको स्क्वायर्स के हिसाब से काट लूँगी। तो ऐसे आप अपने स्क्वायर्स काट लीजिए। अब इनको हम कैसे बनाएंगे ताकि ये एक स्क्वायर में दो कलर्स कैसे आएंगे, हम वो आपको बताने लगे हैं। आप ये दो अलग स्क्वायर्स इकट्ठे लाएंगे, ये जो सीधी तरफ है, राइट साइड टुगेदर, वो आप अंदर लाएंगे। जब आपके पैटर्न में कभी भी आप पढ़ें RST, राइट साइड टुगेदर, उसका ये मतलब होता है कि जो सीधी तरफ है वो अंदर और जो उल्टी तरफ है, द बैक साइड, वो बाहर। और आप एक डायगनल लाइन खींचिए। एक्यूरेटली स्ट्रेट लाइन हो जाती है। इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि हमने सिलाई उस लाइन पे नहीं करनी, उस लाइन के 1/4 इंच इस तरफ करनी है एक सिलाई और 1/4 इंच दूसरी तरफ करनी है। इस तरफ भी 1/4 इंच सीम अलाउंस के साथ आप इसको सिल दीजिए। ये हमारे चेन्स तैयार हो गई हैं, चेन पीसेस तैयार हो गए हैं। अब हम इनको ऐसे अलग अलग कर लेंगे, ऐसे छुड़ा लेंगे। और अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी, डायगनल लाइन कोने से कोने को, अब हम इसको ट्रिम कर लेंगे। इस तरह से आप इनको साथ में ट्रिम कर लीजिए। और अब आप देखिए, आपका टू कलर डायगनल तैयार है। हमको हर स्टेज पे प्रेस करना है। तो प्रेस करने के लिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि ये जो पीछे जो सिलाई है, जहाँ पे जोड़ा है, जो सीम है, उसको खोल लें।
वी आर रेडी टू गो टू द आयनिंग बोर्ड, हम आयन करेंगे। ये देखिए, जहाँ मैंने खोला है मैं वहाँ पे प्रेस करूँगी। एक और डिटेल होती है, आप देखिए, ये जब आपने इसको जोड़ लिया है और आपने प्रेस कर लिया है, तो आप ये देखेंगे कि ये ट्रायंगल्स बाहर निकल आ रहे हैं। जो अगर आपके घर में कोई पेट हो, कोई डॉग या कैट हो, तो ये बिल्कुल उसकी तरह, उनके कानों की तरह लगते हैं, डॉग ईयर्स। तो इसके लिए क्विल्टिंग वर्ल्ड में इनको डॉग ईयर्स ही बोलते हैं। तो आप ये डॉग ईयर्स को ट्रिम कर दीजिए। तो अब आप देखिए कि ये हमने चारों कोनों के स्क्वायर्स रेडी कर लिए हैं। अब बाकी के जितने हैं वो, क्योंकि सिंगल कलर हैं, तो हम इनको 2.5 इंच की चौड़ाई से ही काटेंगे। तो अब ये मैंने एकदम बहुत ध्यान से उसको इकट्ठा कर लिया, और अब मैं सिर्फ 2.5 इंच, तो मेरा जो ये स्केल है ये 2.5 इंच की विड्थ से है, तो इसके लिए मुझे बस वो स्केल के पट्टे काटने हैं नाप से। इस तरह से आप दोनों कलर्स के 2.5 इंच के विड्थ काट लीजिए, जो हमने पहले से रेडी कर लिया है। सैल्वेज ट्रिम, अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने डबल कपड़ा रखा है और मैं इसको भी डबल करके साथ में काट लूँगी। तो अब हम हमारे सारे एक ब्लॉक के पीसेस मेरे सामने हैं, अब हम इसको असेंबल करते हैं। अब देख रहे हैं कि ये जो सेम प्रिंट है वो इसमें बाहर की तरफ जा रहा है, आपने वो देखना है इस तरह से, और बीच में फिर वो अंदर आ रहा है, देखिए। तो अब हमने ये ब्लॉक हमारा असेंबल कर लिया है, अब हम इसको पिन अप करेंगे और इसको सीना शुरू करेंगे। अब आप देखें, मैं आज इसको साथ में करने की कोशिश करूंगी, ताकि वो चेन पीस हो जाएगा। ये देखिए, मैंने दूसरा रेडी कर लिया है मेरे हाथ में। ये मैंने बहुत नज़दीक कर लिया है, तो बहुत ध्यान से मैं इसको ट्रिम कर दूंगी, कपड़ा नहीं कटना चाहिए। तो द बेस्ट थिंग वुड बी द ब्लेड। इसको मैं जब खोलती हूँ, तो ये मेरे रेडी हो गए। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी रेडी कर दूंगी। देखिए, एक ये वाला पीच का रो और ये साइड का रो। अब हम इसको एज ऑलवेज प्रेस करेंगे, पीछे से हम अपनी सीम्स खोल लेंगे, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ। इस तरह से आप कर लीजिए और आपकी ये रेडी आयन रोज तैयार हैं। अब इसको हम रोज को अब ज्वाइन करेंगे। ये जो जहाँ पे ये चार कपड़े मिल रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम कहेंगे, उसको एकदम एक्यूरेटली मिला लीजिए। पिन निकालना मत भूलिएगा बिफोर यू रीच आपका वहाँ, नहीं तो आपकी सुई टूट जाएगी। अरे देखिए, अभी मैंने प्रेस नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने एक्यूरेटली ये तैयार है, जुड़ गया है। और ये स्टेप्स मैंने थोड़े से ऐसे रेडी कर दिए थे, तो आप उसी प्रकार से, ये देखिए, ये वही चीज़ है, वही स्टेप है। और अब हम ये तीसरे को भी उसी तरह से इसको यहाँ पे
लगा लेंगे। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हर स्टेप पे आपने प्रेस करना है, आपने इसको आयन करना है उसी तरह से सीम्स खोल के, और फिर उसको आयन करना है, और ये आपका ब्लॉक तैयार।